हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम देखेंगे 16 साल की उम्र में बैकग्राउंड डांसर से आज कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म देने वाले शाहिद कपूर की बॉलीवुड जर्नी। कैसे शाहिद को रोमांटिक रोल्स करते हुए देख हम 90s के बच्चे खुद को स्क्रीन पे इमेजिन करते थे। एवोल्यूशन ऑफ शाहिद कपूर। ईयर 1997। गाय शाहिद कपूर अपने अर्ली डेज में श्यामक दावर की अकेडमी में डांस ट्रेनिंग लिया करते थे। इसी के साथ जब वो 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है में एज ए बैकग्राउंड डांसर नजर आए तब वो सिर्फ 16 साल के थे। इसके बाद ईयर 1999 में आई ऐश्वर्या राय की फिल्म ताल में भी उन्होंने एज ए बैकग्राउंड डांसर काम किया। फिर उसी साल शाहिद इंडियन पॉप बैंड आरएनएस के आंखों में म्यूजिक वीडियो में नजर आए। इस सॉन्ग में शाहिद ने ऋषिता भट्ट के साथ काम किया। इवन इस सॉन्ग में शाहिद को देखने के बाद प्रोड्यूसर रमेश तुरानी शाहिद को अपनी एक फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, बट जब वो शाहिद से पर्सनली मिले तो उन्हें लगा कि शाहिद अभी बहुत यंग और अंडरवेट हैं स्क्रीन पे लीड एक्टर के रोल के लिए, इसीलिए उन्होंने शाहिद को कुछ साल वेट करने के लिए कहा। इन बिटवीन शाहिद इंडियन प्लेबैक सिंगर पूर्णिमा के एक म्यूजिक वीडियो मेरा दिल बोले पिया पिया में नजर आए। फिर ईयर 2000 में शाहिद कपूर कुमार शानू की म्यूजिक वीडियो कहना तो है में नजर आए। कहना तो है, कैसे कहूं। इस सॉन्ग में शाहिद ने एक्ट्रेस नोहित सैरेसी के साथ काम किया। इसके बाद साल 2001 में शाहिद कपूर आयशा टाकिया के साथ जान लिखूं जानम लिखूं सॉन्ग में नजर आए। हालांकि इससे पहले शाहिद और आयशा साथ में एक टीवी कमर्शियल में भी काम कर चुके थे। फिर साल 2002 में शाहिद ने शबाना रजा के साथ साधना सरगम की एक म्यूजिक वीडियो कोई तो बात है में काम किया। इसके बाद ईयर 2003 में शाहिद ने एज ए लीड एक्टर बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया रमेश तौरानी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इश्क विश्क में, जिसे केन घोष ने डायरेक्ट किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग मिस्टर स्पेंसर कॉलेज राजीव माथुर। और ये फिल्म हम 90s के बच्चों के लिए एक इमोशन है। इस फिल्म में शाहिद की को एक्ट्रेसेस थी अमृता राव और शहनाज ट्रेजरी वाला। शाहिद ने इस पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपनी परफॉर्मेंस से इस कदर जस्टिफाई किया कि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 5 करोड़ के बजट में बनी शाहिद की ये पहली फिल्म 12 करोड़ की कलेक्शन करके एक स्लीपर हिट साबित हुई। इवन इस मूवी के लिए शाहिद ने अपने बल्कियर अपीयरेंस के लिए वर्कआउट के साथ साथ नसीरुद्दीन शाह और सत्यदेव दुबे की एक्टिंग वर्कशॉप भी अटेंड की। मगर ये याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की मेरे साथ हो। फिर अगले ही साल 2004 में शाहिद ने सेम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म फिदा में काम किया। नजर नजर। फरदीन खान और करीना कपूर के साथ आई शाहिद के करियर की ये दूसरी फिल्म 10 करोड़ में बनकर 16.9 करोड़ की कलेक्शन करके कमर्शियली फ्लॉप हो गई। बट मूवी का ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। ये साली थी ऐसी, कल मुझे छोड़ के गई, आज तुझे। फिर उसी साल शाहिद की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई दिल मांगे मोर, जिसमें उन्होंने आयशा टाकिया, टुलिप जोशी और सोहा अली खान के साथ काम किया और ये सोहा अली खान की पहली फिल्म थी। 7 करोड़ में बनी ये फिल्म 9 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। बट इस मूवी में शाहिद के डांसिंग स्किल्स की काफी तारीफ हुई। ईयर 2005। इस साल शाहिद की 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फ्लॉप रही। पहली आई दीवाने हुए पागल, जिसे विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। एक फन फैक्ट बताऊं तो ये डायलॉग फिर हेरा फेरी मूवी का है, जिसे मीम्स के लिए इस फुटेज के साथ सिंक किया गया है। अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 26.5 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई थी। बैठे बैठे मतलब वो चल नहीं सकती। फिर उसी साल शाहिद की अमृता राव और संजय दत्त के साथ आई फैंटेसी ड्रामा फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी भी फ्लॉप हो गई। 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 19 करोड़ की कलेक्शन की थी। नई टीचर रख लो। हाँ,
रस्ते से किसी को भी उठा के इन लोगों की चाची बना देता हूँ। बट यार हम 90s के बच्चों के लिए तो ये मूवी हमेशा हिट रहेगी, खासकर मूवी का ये सॉन्ग। बचपन में जब भी मुझे डर लगता था तो मैं हनुमान चालीसा का यही वर्जन गाता था। इसके बाद आई शाहिद की मल्टी स्टारर फिल्म शिखर, जिसमें उन्होंने अजय देवगन, बिपाशा बसु और अमृता राव के साथ काम किया। 14 करोड़ में बनी ये फिल्म अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ 30 लाख रुपए की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। ईयर 2006। इस साल शाहिद की 3 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी 36 चाइना टाउन। टाउन में सोनिया चैंग का मर्डर हो गया। लाश कहां छुपाई है? वो दो पैर दो आंख वाला खूनी लेके आया। ये एक मल्टी स्टारर मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म थी जिसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। करीना कपूर के साथ आई शाहिद की ये दूसरी फिल्म 19 करोड़ में बनकर 38 करोड़ की कलेक्शन करके एक सेमी हिट रही थी। इसके बाद आई प्रियदर्शन की फिल्म चुप चुप के, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें शाहिद कपूर एक बार फिर करीना कपूर के साथ नजर आए। इस फिल्म के साथ मेरी बहुत ही मेमोरीज जुड़ी हैं। फिल्म का ये सीन देखकर मैंने पठानकोट में मेरी नानी के घर के सामने रह रही एक लड़की महक को प्रपोज किया था, वो भी सेम इसी स्टाइल में बिना कुछ बोले। और ये फिल्म इतनी पॉपुलर थी कि उसे भी इन फिंगर साइंस का मतलब पता था, और अगले ही दिन उसने मुझे बोला कि उसे पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, और फिर हम दोनों ब्लश करने लगे। वैसे मैं तब 14 साल का था। खैर पर्सनल बातें छोड़ो, टॉपिक पे वापस आते हैं। हेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात बंद कर। अनफॉर्चुनेटली 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 25.5 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की थी। इसके बाद आई शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म विवाह, जिसे सूरज बरजातिया जी ने डायरेक्ट किया था। इश्क विश्क के बाद शाहिद की ये दूसरी फिल्म थी जो कमर्शियली सक्सेसफुल रही। लगभग 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 53 करोड़ की कलेक्शन की थी। जानती हूँ, जब से सोम सरोवर आया हूँ मैंने हर रोज चाह के तुम्हें छत पर बोला। इवन ये मूवी और अमृता राव का लुक लेट इंडियन आर्टिस्ट MF हुसैन को इतना पसंद आया कि उन्होंने अमृता राव और विवाह से इंस्पायर्ड एक पेंटिंग ही बना डाली। फिर 2007 में आई शाहिद की आयशा टाकिया के साथ कॉमेडी फिल्म फुल एंड फाइनल। इस फिल्म को बागी 2, बागी 3 और हीरोपंती 2 के डायरेक्टर अहमद खान ने डायरेक्ट किया था, तभी इतनी बुरी बनी है। गजब बेइज्जती है। 24 करोड़ में बनी ये फिल्म 27.62 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई, बट मूवी का ये सॉन्ग बहुत सही था। फिर उसी साल शाहिद और करीना की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जब वी मेट रिलीज हुई, जिसके राइटर और डायरेक्टर रहे इम्तियाज अली। ये मूवी इतनी सही थी कि 2007 की वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई, जिसने 15 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 50 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन की थी। मैं तो भागने वाली हूँ बहुत तेज, मैं वापस नहीं जाने वाली। तू बहुत रायता फैला चुकी है, मैं जैसा बोल रहा हूँ तू वैसा ही करेगी। ऑलराइट, कम ऑन। इवन इस मूवी के सॉन्ग्स भी सुपर हिट रहे, और इस सॉन्ग में शाहिद का लुक मुझे बहुत सही लगा। ध्यान कहीं और नहीं था मैडम, आपका ध्यान मुझे पर था। एक्चुअली ना आप मुझे मार डालना चाहती हैं। इसके बाद 2008 में आई शाहिद कपूर की विद्या बालन के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म किस्मत कनेक्शन। इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफी सही थे, बट अनफॉर्चुनेटली 27 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 38.58 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई थी। लाइफ बड़ी कुत्ती चीज है, और इस दुनिया में कुत्तों का बफ एक ही जवाब है। फिर 2009 में आई फिल्म कमीने, जिसे विशाल भरद्वाज ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में शाहिद कपूर का डबल रोल था, जिसमें उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और अमोल गुप्ते के साथ काम किया। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एवरेज बिजनेस किया, बट क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के बहुत से लोग जैसे करण जौहर और शेखर कपूर ने इस फिल्म की काफी तारीफ की। इनफैक्ट शाहिद कपूर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। मैं फक ऑफ फक बोलता हूँ। फक ऑफ फक नहीं बोलेगा तो क्या लव बोले। इसी के साथ फिल्म का ये सॉन्ग वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द डेकेड माना गया था। 35 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 71.56 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिर उसी साल शाहिद की रानी मुखर्जी के साथ यश राज फिल्म्स बैनर के अंडर रिलीज हुई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म दिल बोले हड़िपा फ्लॉप हो गई। 28 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 31.72 करोड़ की नेट कलेक्शन की।
ईयर 2010, इस साल शाहिद की चार फिल्में रिलीज हुई और पहली थी चांस पे डांस, जिसमें उनकी को एक्ट्रेस थी जेनेलिया डिसूजा। मुझे अपना फोन नंबर दो ना। Why? You wanted to friendship with me? Oh, no. 29 करोड़ में बनी ये फिल्म 20.62 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद शाहिद की आयशा टाकिया के साथ आई इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बनी ड्रामा फिल्म पाठशाला भी फ्लॉप हो गई। 14 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 17 करोड़ की कलेक्शन की थी। बट गाइस, मूवी इतनी भी बुरी नहीं है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखना। लेकिन आपको सिर्फ ये बच्चे दिख रहे हैं जी। मुझे वो बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वो बच्चे आपको खुश लग रहे हैं? इवन इसके सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं। इवन इस फिल्म में रागिनी एमएमएस से फेमस हुई कैनाज मोतीवाला ने भी काम किया है। फिर अनुष्का शर्मा के साथ आई शाहिद की फिल्म बदमाश कंपनी। इस मूवी को अर्चना पूरन सिंह के हस्बैंड परमीत सेठी ने डायरेक्ट किया था और एज ए डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म थी। इस मूवी का म्यूजिक भी काफी सही था। 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 53 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की थी। इसके बाद शाहिद और करीना की आई मिलेंगे मिलेंगे, दोनों की एज लीड एक्टर्स पांचवी और आखिरी फिल्म थी। तरह का घटिया टाइप का आदमी है यार तू। मतलब मैंने पीठ पलटी नहीं कि तूने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ये फिल्म 2005 में आने वाली थी, बट ड्यू टू कास्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये मूवी 5 साल डिले हो गई। इस मूवी को क्रिटिक्स से काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले और 12 करोड़ में बनी ये फिल्म 12 करोड़ 60 लाख रुपए की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इवन 2010 में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल म्यूजिक वीडियो फिर मिले सुर में भी शाहिद नजर आए। फिर साल 2011 में सोनम कपूर के साथ आई शाहिद की फिल्म मौसम भी फ्लॉप हो गई। इस मूवी को शाहिद के फादर पंकज कपूर ने डायरेक्ट किया था। 38 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 54 करोड़ की कलेक्शन की थी, बट मूवी का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा था। फिर 2012 में आई शाहिद की प्रियंका चोपड़ा के साथ तेरी मेरी कहानी। तब जाके उसने मुझे बनाया होगा, जिसकी कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं था। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। 30 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 54 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिर 2013 में आई एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के एक सॉन्ग अपना बॉम्बे टॉकीज में शाहिद का एक कैमियो अपीयरेंस था। में आई शाहिद और इलियाना डिक्रूज की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो, जिसे अजय प्रेम की गजब कहानी के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। ये भी फ्लॉप हो गई। 54 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 72 करोड़ की कलेक्शन की थी। शाहिद की एक के बाद एक फ्लॉप के बाद उनकी कमर्शियल अपील पे सवाल खड़े होने लग गए थे और फिर आई 2013 में उनकी अगली फिल्म आर राजकुमार की सक्सेस ने शाहिद के कमर्शियली डाउन करियर को थोड़ा सा लिफ्ट किया। साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद के साथ आई शाहिद की इस एक्शन ड्रामा फिल्म को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। 38 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जिससे ये फिल्म शाहिद कपूर की उस वक्त की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। फिर ईयर 2014 में आई फिल्म हैदर और भाई शाहिद ने क्या परफॉर्मेंस दी इस फिल्म में। इस मूवी में शाहिद ने कमीने के डायरेक्टर विशाल भरद्वाज के साथ फिर से काम किया, जिसमें तब्बू, श्रद्धा कपूर, के मेनन और इरफान खान भी नजर आए। शाहिद ने बताया था कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे टफेस्ट फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने अपना हेड शेव किया, कश्मीरी एक्सेंट में बात करना सीखा और इवन इस फिल्म के लिए उन्होंने कोई भी फीस चार्ज नहीं की। बट इस मूवी के रिगार्डिंग कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी। बहुत से लोग इसे कश्मीर का वन साइडेड व्यू दिखाने के लिए हैदर को प्रोपेगेंडा फिल्म भी मानते हैं। इसी के साथ एक न्यूज भी आई थी कि इस मूवी में काम कर रहे एक कश्मीरी एक्टर साकिब शेख ने एक टेररिस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। 35 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 53 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की थी। फिर उसी साल आई फिल्म एक्शन जैक्सन के एक सॉन्ग पंजाबी मस्त में शाहिद का एक कैमियो अपीयरेंस था। फिर ईयर 2015 में आई शाहिद की आलिया भट्ट के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शानदार।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आसमां से आ गिरी है शाम चांदार। एक दिन घोड़ी पे आऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। क्या कर लोगे? आना फिर तुझे बताऊंगा कि मैं क्या कर लूंगा। 46 करोड़ में बनी ये फिल्म 75.7 करोड़ की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इवन 2015 में शाहिद कपूर ने झलक दिखला जा के सीजन 8 को जज भी किया था। तो हो जाइए तैयार और झलक रीलोडेड और मिलना है टॉमी सिंह से। फिर आई 2016 में शाहिद की फिल्म उड़ता पंजाब। भाई ये फिल्म वन ऑफ माय फेवरेट है। इसे मैंने दो बार थिएटर में देखा था और जब फर्स्ट टाइम देखा था तब कोइंसिडेंटली मैं पंजाब में ही था। भाई पंजाब में उड़ता पंजाब देख के तो फुल वाइब्स ही आ गई थी। इस मूवी में शाहिद और करीना 6 साल बाद किसी फिल्म में साथ नजर आए। इवन इस फिल्म में आलिया भट्ट और दिलजीत के रोल की भी बहुत तारीफ। उड़ता पंजाब की फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब CBFC ने मूवी पे स्टे लगाते हुए ये कहा था कि मूवी का थीम जनरल ऑडियंस के लिए बहुत वल्गर है और पंजाब को बहुत ही नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म से 89 कट्स लगाने को भी कहा गया था। बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेकर्स के फेवर में जजमेंट देते हुए फिल्म को सिंगल कट के साथ ऑल ओवर इंडिया रिलीज करने की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद 34 करोड़ के बजट में बनी उड़ता पंजाब 96 करोड़ की कलेक्शन करके हिट हो गई और क्रिटिक्स को भी ये काफी पसंद आई। इनफैक्ट इस मूवी ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे जिनमें आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस और शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला था। बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है पंजाब की। इसके बाद ये 2017 में आई कंगना रनौत और सैफ अली खान के साथ विशाल भरद्वाज की डायरेक्ट की हुई पीरियड ड्रामा फिल्म रंगून भी फ्लॉप हो गई। बाथरूम जा रही हूं, सुसु करेगा मेरे साथ। 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 41 करोड़ की कलेक्शन की थी। बट ये सीन मुझे काफी पसंद आया, लोकेशन काफी अच्छी है सीन में। ईयर 2018, इस साल आई शाहिद के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म पद्मावत। इस फिल्म के बारे में बात करनी हो तो एक अलग वीडियो बनती है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ आई शाहिद की इस फिल्म के रिलीज से पहले कई जगहों पे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। जनता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत। इवन फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण को डेथ थ्रेट्स भी मिले। बट इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद जब मूवी रिलीज हुई तो एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। अप्रोक्सीमेटली 190 करोड़ के ह्यूज बजट में बनी इस फिल्म ने 572 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर 2018 में आई शाहिद की सोशल इश्यूज पे बनी फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू फ्लॉप हो गई। अरे तू हमें धमकी दे रहा है? 54 लाख का बिल भेजा था ना तूने? 54 दिन में तेरी बिजली कंपनी की बत्ती गोल करा के ठहरूंगा मैं। 49 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 52.32 करोड़ की कलेक्शन की। फैक्ट्स और फिगर्स की भी बात कर लें। फैक्ट्स तो सब मेरे पास है और आपके होते हुए फिगर की बात मैं कैसे करूं मैडम। फिर उसी साल शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी का एक म्यूजिक वीडियो उर्वशी 2.0 रिलीज हुआ जिसे हनी सिंह ने गाया था, जिसपे करंटली 215 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। 2019 में आई शाहिद कपूर की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म कबीर सिंह। कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑडियंस को काफी पसंद आई। किसने सोचा था कि दिल तो पागल है का ये बैकग्राउंड डांसर बड़ा होकर कबीर सिंह बनेगा। वो हाथ से फिसल गया सर। नहीं, 60 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 379 करोड़ की कलेक्शन करके 2019 की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी और शाहिद कपूर के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग सोलो लीड फिल्म। इवन इस मूवी का म्यूजिक भी हिट रहा जिसने कई अवार्ड्स भी जीते। फिर 2022 में आई शाहिद कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी, जो 2019 की तेलुगु फिल्म जर्सी का रीमेक है। नूर न रुखते, साबी न मुखते। मृणाल ठाकुर के साथ आई शाहिद की ये फिल्म अगस्त 2020 में रिलीज होने वाली थी बट ड्यू टू मल्टीपल रीजंस और COVID-19 ये मूवी अप्रैल 2022 में रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। 80 करोड़ में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 27.9 करोड़ की कलेक्शन की। वैसे भी उन दिनों थिएटर्स में बीस्ट और KGF 2 डोमिनेट कर रही थी। इसके बाद शाहिद कपूर Amazon प्राइम वीडियो पे आने वाली अपकमिंग सीरीज फर्जी में अपना डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसे द फैमिली मैन के डायरेक्टर डुओ राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है।
इस सीरीज में शाहिद के साथ विजय सेतुपति, राशि खन्ना और के मेनन भी नजर आएंगे। करंटली सीरीज की पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है और ये सीरीज दिसंबर 2022 या मोस्ट प्रोबेबली 2023 में हमें देखने को मिल सकती है। और 2023 में शाहिद अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म ब्लडी डैडी में भी नजर आएंगे। वैसे तो ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज की जानी थी, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज अपडेट, अली का कहना है कि वो नहीं चाहते कि फिल्म में ब्लड और गन्स के नैरेटिव की वजह से इस पे सेंसर बोर्ड अपने कट्स लगाए, इसलिए शायद वो फिल्म को ओटीटी पे ही रिलीज करना प्रेफर करेंगे। इवन ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि शाहिद और कृति सेनन साथ में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में भी साथ नजर आ सकते हैं, बट इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाए। नेक्स्ट एवोल्यूशन किस स्टार का देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता देना। इमरान हाशमी का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और नोरा फतेही के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।